Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high. होममेकर हो या फुल टाइम वर्किंग वूमेन, पूरे दिन का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं हम किचन में, बिकॉज फूड इज़ आवर बेसिक एंड असेंशियल नीड। वी प्रिपेयर सो मैनी टेस्टी डिशेज फॉर आवर फैमिली। इसके लिए किचन पैंट्री का ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सो दैट हमारा कुकिंग टाइम तो कम हो ही सके, साथ ही हम पूरी फैमिली को अपना प्रीशियस टाइम भी दे सकें। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद प्रतिभा, एंड टूडेज वीडियो इज़ फुल ऑफ जीरो कॉस्ट टिप्स ऑफ किचन ऑर्गेनाइजेशन एंड पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जंप इनटू द वीडियो। इफ़ यू आर रेगुलर व्यूअर ऑन माय चैनल तो आपने देखा ही होगा जो पिछला वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है, संडे को मैंने की थी अपने हस्बैंड के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग और थोड़ी सी और भी शॉपिंग करी थी, वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और जब भी हम पूरे महीने का राशन एक साथ लाते हैं तो काफ़ी सारी ग्रॉसरी हम इकट्ठी खरीद लेते हैं, उनको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखना हमारे लिए एक प्रॉब्लम का टास्क बन जाता है, लेकिन अगर हम कुछ टिप्स को फॉलो करें तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी और हमारे सारे काम आसान हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी सारी ग्रॉसरी पूरे महीने की राशन खरीद लिया था, उसके नेक्स्ट डे ही बस मैंने क्लीनिंग करनी शुरू कर दी थी क्योंकि संडे को जब शॉपिंग करी थी तो काफ़ी लेट हो गया था। थोड़ा बहुत मैंने जो सामान है वो अरेंज करके रख दिया था, और चीज़ें अगर आप सेग्रीगेट करके रख देते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए मैनेज करना आसान हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप पूरी किचन की डीप क्लीनिंग एक साथ करते हैं या फिर आप मेरी तरह पार्ट्स में इसको क्लीन करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं तो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग किचन में क्लीनिंग करती हूँ और मेरी किचन ज़्यादा गंदा होता ही नहीं है क्योंकि मैं बीच बीच में इसको साफ़ करती रहती हूँ। तो और जब भी हम कोई काम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके करते हैं तो वो काम ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और जब भी मुझे मौका मिलता है तो अपने काउंटर्स को मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदे नहीं थे, फिर भी मैंने एक छोटा सा क्विक वाइप दे दिया है यहाँ पर, और जो चीज़ें मुझे काउंटर में गंदी लग रही हैं वो मैंने साफ़ कर ली हैं। सारी ग्रॉसरी जो पहले की थी डब्बे वगैरह निकाल लिए हैं, और जिनको वॉश करना था वो मैंने वॉश कर लिए थे, और जिनको पहुँचना था वो मैंने पहुँच लिए हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इस कार्टन बॉक्स में मैंने संभाल के रख दी थी सारी ग्रॉसरी क्योंकि रात को लगाने का समय नहीं था क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी। तो जब भी आप ग्रॉसरी लाएं तो उसको इस तरह से फैला के मत रखें, अगर आपके पास टाइम ना हो तो किसी इस तरह कार्टन बॉक्स के अंदर भर के रख दीजिए, इससे चीज़ें आपकी फैली भी नहीं दिखाई देंगी और घर बिल्कुल मैसी नहीं लगेगा। तो जैसे आपको टाइम लगेगा इसमें से निकालिए और अपनी पैंट्री ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अपने पूरे दिन के रेगुलर जो काम होते हैं जिनको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, इन चीज़ों से फ्री होकर आप पैंट्री ऑर्गेनाइज करिए, और एक अगर आप तरीके से काम कर लेंगे तो आगे पूरे महीने तक की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फ्रेंड, पेंट्री को ऑर्गेनाइज करना इतना इजी टास्क नहीं है, अगर आप अकेले करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप अपने फैमिली मेंबर की हेल्प ले सकते हैं। और मैं अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करती हूँ इस तरह के कामों में क्योंकि ये चीज़ें आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिकल लाइफ भी ज़रूरी होती है। तो मेरी बेटी मेरी हेल्प कर रही थी, जैसे मैंने डब्बे धो दिए थे तो उसने क्लीन कर दिए थे, साफ कपड़े से पहुँच कर मुझे दे दिया था, और मैंने यहाँ पर पहले ही सेग्रीगेट कर ली थी सारी चीज़ें जो बाथरूम असेंशियल थे, जैसे जो सॉप वगैरह होते हैं, शैम्पू होते हैं, तो वो सब चीज़ें मैंने सेग्रीगेट करके पहले ही को पकड़ा दी थी और उनको बाथरूम के पास जहाँ पर मैं बाथरूम एक्सेसरीज रखती हूँ वहाँ पर रख दिया था। बस यहाँ पर सारी पैंट्री जो है, चने की दाल वगैरह सब कुछ जो दालें हैं वो सब मैंने इस डब्बों में डाल ली हैं, और यहाँ पर लेबलिंग मान्या से ही करवा रही हूँ जो उसके पापा उसमें हेल्प कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को दालों के नाम पता नहीं होते, तो उसके पापा उसको बता रहे हैं, कुछ मैं भी बता रही हूँ, तो इस तरह से सारे डब्बों पर मान्या ने लेबल कर दिए थे। और जो मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते ही होंगे कि मैंने आज तक कोई भी लेबल नहीं खरीदा है। इसी तरह से ज़ीरो कॉस्ट आइडिया से मैं लेबल बनाती हूँ। तो जो पहले ऑरेंज कलर के आपको लेबल दिखाई दे रहे हैं तो वो जो दालों के पैकेट के ऊपर जो लेबल हुआ होता है उसी को कट करके वेस्ट चिपका लेती हूँ टेप से, और आज मैंने इस बार जो ग्रीन कलर के लेबल लगाए हैं वो भी मैंने स्टिकी नोट से प्रिपेयर करवाए हैं। तो बस सारे जब डब्बों के ऊपर लेबल हो गया है, और जो डब्बे ट्रांसपेरेंट नहीं है उनको लेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और लेबल करने के बाद आपका काम आसान हो जाएगा। जब आपको कोई दाल ढूंढनी होगी तो फटाफट से आप लेबल पढ़ के उस दाल को निकाल सकते हैं। अगर उन पर आप लेबल नहीं करेंगे तो सारे जो कंटेनर हैं वो आपको खोल खोल कर देखने पड़ेंगे अगर आपको कोई दाल ढूंढनी है तो।
और मैंने एक बार पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो शेयर किया था तो एक कमेंट आया था मेरे पास किसी व्यूअर का, तो उन्होंने कमेंट किया था कि लेबल करने से अच्छा है कि आप ट्रांसपेरेंट डब्बे खरीद लीजिए। लेकिन लेबल करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, कई बार कोई ग्रॉसरी ऐसी होती है जो सेम ही दिखती है, जैसे नमक है और सूजी है, तो या फिर कोई, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिमिलर दिखती हैं और हमें फिर भी पता नहीं चलता है, तो उनको लेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी सारी जो ग्रॉसरी के कंटेनर हैं उनके ऊपर लेबल कर दूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आज जो क्लीनिंग करी है, सिंपल मैंने स्क्रबर लिया है जो बर्तन मांजने वाला स्क्रबर होता है, और बस उसके अंदर थोड़ा सा डिश लिक्विड लिया था, उससे साफ़ किया, क्योंकि ज़्यादा जो काउंटर्स थे वो गंदे नहीं थे और बहुत जल्दी से साफ़ हो गया था। अगर आपके जो ये काउंटर्स हैं ज़्यादा चिकने हैं तो आप विनेगर, पानी और डिश लिक्विड का सोल्यूशन ले सकते हैं, उससे आप साफ़ करेंगे तो बहुत जल्दी आपके ये शेल्फ क्लीन हो जाएंगे। या फिर आप बहुत ज़्यादा चिकनाई हो तो आप मिस्टर मसल रेड वाला जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस वाली जो शेल्फ में है लाइनर बिछाने के लिए यूज़ किया है अपने बेटे के पुराने प्रोजेक्ट्स, या फिर आप इस तरह का जो ब्राउन पेपर होता है जो कॉपीज़ को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है वो भी आपके पास पड़ा ही हुआ, क्योंकि अभी शासन चेंज हुआ है। तो इस तरह से छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और क्लीन रख सकते हैं। तो है, मैं इसी तरह के छोटे छोटे जुगाड़ करके ही अपना काम चला लेती हूँ। और मेरे ये ज़ीरो कॉस्ट आइडियाज़ आपको कैसे लगते हैं कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड, बातों ही बातों में इतने सारे किचन का मैंने काम निपटा लिया है। अब बचा है यहाँ पे दूसरा वाला पैकेट जो अभी तक नहीं खोला था। और एकदम से पूरा ग्रॉसरी का सामान मत फैलाइए, इससे घर आपका बहुत मैसी हो जाता है। अगर सडनली कोई गेस्ट आ जाए घर में और इस तरह से सामान फैला मिले तो मुझे तो बहुत ख़राब लगता है। तो मैं तो चीज़ों को डिवाइड करके करती हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि चीज़ों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आप उस काम को ज़्यादा परफेक्ट तरीके से कम्प्लीट कर पाएंगे। और इस वाले पैकेट में काफ़ी सारे ब्रेकफास्ट के आइटम थे तो वो मुझे फिल करने थे। उससे पहले मैंने ये जो ग्लास कंटेनर आप देख रहे हैं ये वॉश कर लिए थे और मान्या से अच्छी तरह से पोंछ दिए थे, और थोड़ी सी मैंने इनको हवा में रख दिया था, इससे इनका पानी सूख गया था। कोई भी चीज़ फिल करने से पहले ये ध्यान रखें कि जो कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ज़रा सा भी मॉइस्चर ना हो, अदरवाइज वो ग्रॉसरी आपकी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट आइटम जो भी थे, नमकीन बिस्किट वगैरह है, वो ग्लास कंटेनर में फिल कर दिए हैं। और ये जो ग्लास कंटेनर आपको दिखाई दे रहे हैं ये काफ़ी पुराने हैं, तो मैं काफ़ी चीज़ों को सहेज कर रखती हूँ। जब तक चीज़ बिल्कुल भी बेकार नहीं हो जाती है तो मैं उसको जल्दी से चेंज नहीं करती हूँ। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे कंटेनर्स प्यारे प्यारे मिलते हैं जब आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, लेकिन आप अपनी पुरानी चीज़ों को जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं उतना करिए। इससे आप प्लास्टिक वेस्ट कम प्रोड्यूस करेंगे और एनवायरनमेंट में हेल्प करेंगे। एक छोटी सी कोशिश तो हम सबको ज़रूर करनी चाहिए अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे जो कंटेनर हैं मैंने ब्रेकफास्ट आइटम से फिल कर लिए हैं, और थोड़ी सी नमकीन अभी बड़े वाले कंटेनर में रखी थी तो उसको छोटे कंटेनर में डाल दिया है, और जो अभी नई नमकीन आई है वो उसमें डाल दी है। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं इस वाले कंटेनर में मैं रखती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ग्रॉसरी लाने से पहले हस्बैंड लेकर आ गए थे क्योंकि कुछ ड्राई फ्रूट्स की नीड थी तो मैंने मंगाए थे। तो यहाँ पर ये भी सब मैं ऑर्गेनाइज कर लिए हैं इन छोटे छोटे कंटेनर में जो ट्रांसपेरेंट हैं। ट्रांसपेरेंट कंटेनर का यही फ़ायदा होता है कि चीज़ें विजिबल होती हैं, और मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं काजू, बादाम और किशमिश। और यहाँ पर जो जितनी भी ग्रॉसरी हमारी बची है उसको संभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हर कंटेनर इतना बड़ा नहीं हो सकता कि जितनी भी ग्रॉसरी आपने लाई है वो सारी उसके अंदर फिल हो जाए, कुछ ना कुछ ग्रॉसरी आपकी ज़रूर बचती है। तो जो ग्रॉसरी मेरी बची है उसमें जो जिस पैकेट में रबड़ लगा सकते हैं उसमें रबड़ लगा लिया है, और जिसमें टेप से सिक्योर कर सकते हैं आप तो टेप से सिक्योर कर दीजिए, इससे आपकी ग्रॉसरी बिखरेगी नहीं और आपस में एक दूसरे से मिक्स भी नहीं होगी। तो मखाने यहाँ पे इस वाले कंटेनर में मैंने फिल करके रख दिए थे, और देखिए इस तरह के लेबल का यही फ़ायदा होता है कि आप अगर दूसरी बार में आप दूसरी ग्रॉसरीज में फिल करना चाहते हैं तो ये जो लेबल है आराम से रिमूव हो जाते हैं, और वॉश करने से भी इतनी जल्दी रिमूव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोहे वाला जो लेबल था वो रिमूव कर दिया था और उसके अंदर डाल दी है वर्मीसेली। तो सारे ब्रेकफास्ट के आइटम मैंने अच्छे से कंटेनर में फिल कर लिए थे, और ये वाला जो काउंटर है, जो ये वाली शेल्फ है, ऊपर वाली शेल्फ पर मैंने वाले आइटम रखे जो बहुत कम यूज़ होते हैं, क्योंकि ऊपर इतनी ज़्यादा ऊपर मेरा भी हाथ नहीं जाता है तो कई बार मुझे चेयर लेके उतारना पड़ता है, तो पीछे वाले आइटम रखती हूँ जो रेयरली यूज़ होते हैं। और यहाँ इस वाले शेल्फ के अंदर मैंने सारे ब्रेकफास्ट आइटम रखे हैं, नमकीन बिस्किट वगैरह और ड्राई फ्रूट्स जिनकी डेली कुकिंग में मुझे ज़रूरत पड़ती है, और ब्रेकफास्ट के आइटम रखे हैं तो बच्चे आसानी से यहाँ से ले भी लेते हैं। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप कांच के जार यूज़ कर रहे हैं तो उनकी पहुँच के बाहर रखिए, अदरवाइज़ आपके कांच के जार है टूट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस वाले जो कंटेनर में मैंने सारी ग्रॉसरी रख दी है जो बची हुई थी, और उसके ऊपर लिस्ट लगा दी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे वो बची हुई ग्रॉसरी ढूंढनी हो तो मुझे पूरा कंटेनर ना खाली करना पड़े, लिस्ट से मैं पढ़ लूँ और उस ग्रॉसरी को आराम से मैं निकाल सकती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने कुछ डिक्लटरिंग भी की थी इन वाले जो शेल्फ के अंदर से, जो पुराना सामान है वो थोड़ा थोड़ा हटाते रहिए जब भी आप इस तरह की डीप क्लीनिंग वगैरह किचन में करते हैं। तो घर को क्लीन रखने का सिर्फ एक सिंपल सा मंत्र है, थोड़ी थोड़ी डिक्लटरिंग आप समय समय पर करते रहिए। डिक्लटरिंग का एक पूरा कंप्लीट वीडियो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी, क्योंकि इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं तो घर में छोटे मोटे काम इस तरह से निपटाते रहिए। ये देखिए यहाँ पर छन्नी काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ नहीं करी है, मैं सोची थी इसका कोई DIY करूँगी लेकिन अब समय आ गया है इन सब चीज़ों को हटाने का। तो पूरे अंडर काउंटर टॉप शेल्फ का ऑर्गेनाइजेशन मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। और आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आई विल सी यू सून, बाय बाय बाय।